अंतर्राष्ट्रीय सूर्यवंशम अखाड़ा परिषद द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर देवेंद्र स्वामी उपस्थित हुए, जिनका भक्तजनों ने फूल बरसाकर सम्मान किया। इस समारोह में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जिन्होंने उपस्थित होने वाले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर देवेंद्र स्वामी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शालू जी महाराज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सत्यनाथ जी महाराज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर मनोज महाराज और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सिद्ध शनिदेव मंदिर सुक्रेत के संचालक पवन महाराज के दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। जय शिव शक्ति, ओम शक्ति ओम। आज बड़ा सौभाग्य है कि पुर्तगाल तो सूर्यवंशी खाड़े के अंतरराष्ट्रीय प्रमुख स्वामी रविंद्र जी भारत भूमि के पधारे और भारत के अंदर जी जित हुई चनाबा तो बाद उन्होंने बधाई देने लिए तो किसी पार्टी नाल नहीं, इन्हों का संबंध सनातन नाल है, जड़ी देश सरकार होगी उन्होंने नाल इन्होंने पठानकोट आके आशीर्वाद दिता और सूर्यवंशी खाड़ा अंतरराष्ट्रीय का मैनू सम्मान बख्शिया। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बना रहे ना। मैं इन्होंने विश्वास देना पूरे सनातन धर्म के प्रचार लई पूरे हिंदुस्तान च पूरे विश्व के इन्हों का नाम सारे दे अगे आएगा। सूर्यवंशी करण जी जिहड़े सब तो वड्डे दानी सी, सूर्यवंशी श्री राम जी जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और मर्यादा चले। मैं श्री भोले बाबा शनि महाराज का महाकाली भद्रकाली का बहुत बहुत चरणों सिर रख के प्रार्थना जी उन्होंने मौजूद की शुक्रिया अदा करना। इन्होंने आए दे नाल माता जी, इन्होंने नाल आए दे संत पुरश, इन्होंने सारे दे चरणों के और भारत भूमि के सारे संतों के चरणों के मैं कोटि 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 प्रणाम करना जिन्होंने सानू इस देश जन्म दिता और सनातन की सेवा करने का मौका दिता। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। मैं सूर्यवंशी अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अध्यक्ष सूर्यवंशी अखाड़ा श्री श्री 1008 महामंडली, आज हम भारत की भूमि पर आए हैं। बहुत ही सौभाग्य है कि दिवाली के अवसर पर हमें अपने सनातन धर्मों प्रेमियों को मिला और हमारे संत समाज जो कि सूर्यवंशी अखाड़े के साथ जुड़े हैं उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम श्री श्री 1008 बाबा पवन जी सूर्यवंशी जी को सूर्यवंशी अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त करने के लिए आज पावन धरती पर पठानकोट पर आए हैं और बहुत से गणमान्तर और बाबा जी जो कि गुरु नानक साहब की 14वीं पीढ़ी से जुड़े हैं आज उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला और बाबा श्री गुरु नानक साहब जी ने ऐसा लंगर लगाया जो कि आज भारत नहीं 180 देशों में गुरुद्वारा साहब और मंदिर है जो कि हम भारत की भुजाएं हैं, भारत की शाखाएं हैं। हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने आज लाखों गोरों गोरियों को अपने सनातन धर्म में लेके आए। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।